हरियाली मरुधरा। जी हाँ, श्रावणी अमावस्या पर मरुधरा हरी भरी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ ली हो। सावन की रिमझिम बरसात में प्रकृति श्रृंगार कर रही है और हम सभी अनगिनत सौगाते देती नजर आ रही है हमें और आपको। इसलिए आज बात हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या पर प्रकृति दुनिया के हर रंग समेटे हुए है। इसमें पेड़ पौधे सब हरे रंग में समाये हुए हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पर तो ऐसा लग रहा है मानो जमी पर स्वर्ग आ गया हो। बादल तो मानो जैसे धरती पर उतर आए हो। ऐसे में इस कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं प्रदेश की वो खूबसूरती जिसमें चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। प्रकृति दुनिया के हर रंग समेटे हुए, हर छाया हर रूप की जननी, जिसमें पेड़ पौधे प्राणी सब समाये हुए हैं। पहाड़ नदियाँ खनिज ऋतु सब इसके ही हिस्से हैं। प्रकृति से ही ये दुनिया है, इसमें नीर है और संगीत है, मदमस्त हवाएं हैं, पेड़ हैं, फूल हैं और झाड़ियाँ भी। यहाँ रंग बिरंगी तितली है, ये मानव और पक्षी का अस्तित्व भी है, तो ये हमारी सांसें भी है। प्रकृति ही संसार है, जीवन का आधार है। ये है तो हम है, इससे खिलवाड़ तो मानव का विनाश। इसलिए आइए हरियाली अमावस्या पर प्रकृति के अनोखे नजारे देखिए और इसे स्वयं का अभिन्न अंग बनाकर इसकी रक्षा का प्रण लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं माउंट आबू से। माउंट आबू प्रकृति की खूबसूरती समेटे हुए एक शहर, जहाँ की खूबसूरती देख मन खुशनुमा हो जाता है। यहाँ का मौसम हमेशा से ही बदलता हुआ नजर आता है। बरसात में तो यहाँ कल कल करते झरने निकलना शुरू हो जाते हैं। हरी भरी अरावली की पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों के बीच उतरते बादल मानो स्वर्ग सा एहसास करा देते हैं। प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम विभाग के चेतावनी के बाद उसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। इससे माउंट आबू भी अछूता नहीं है। माउंट आबू में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं एक सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम खड़े हैं 20 नंबर पिलर के थोड़ा सा आगे, एक झरना है वहाँ। देखिए कि जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस मौसम का यहाँ पर जमकर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए खतरों के बीच में पर्यटक जो है झरने के बीच में नहाने का आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर कहाँ से आए? हम जोधपुर से आए सर। कैसी बारिश है जोधपुर में? बहुत हालत खराब है। हाँ, जोधपुर में फिलहाल हम कल से निकले हुए हैं। बारिश होने से पहले हम निकल गए थे। अभी जोधपुर में भी हालत खराब है और यहाँ का नज़ारा बड़ा सुहावना नज़ारा है। आप दोस्तों के साथ आए हैं यहाँ पर, कैसा महसूस हो रहा है? ये हम मेहसाणा गुजरात से हैं, ONGC में जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, हम हर बार बारिश में यहाँ पे आते हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर जाके झरनों के बीच में नहाना चाहिए, क्या लगता है? हमें इस तरह से फील होता है जैसे हम नेचर की गोद में आ गए और नेचर हमें समा रहा है कि आओ, ये है, दिस इज द रियल लाइफ, जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए। एकदम बिल्कुल भौतिकवादी से एकदम दूर, कृत्रिम चीजों से एकदम दूर यहाँ पे फील होता है हमें कि यार दिस इज द लाइफ, जन्नत वाला फील यहाँ पे आता है हमें। देखिए यहाँ पर जो तमाम यूथ है वो यहाँ पर मौजूद है और माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जो मैं एक सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण यदि होता है तो जो प्रकृति अपने आप में खूबसूरती बयान करती है। नज़ारा देखिए कि जो ये मेरे ठीक ऊपर जो पहाड़ी है, यहाँ पर जो बादल हैं इन पहाड़ियों को छूकर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ का नज़ारा ये देखिए, मेरे सहयोगी हरीश पंचाल जो मेरे साथ हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है, जो हरियाली है वो देखते ही नज़र आती है। जो यहाँ पर
जो हरियाली छाई हुई है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति का यदि संरक्षण किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा नज़ारा देखिए, यहाँ के जो झरने हैं, कल कल करते बहते हुए जो झरने, सुंदर झरनों को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और कुछ मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जहाँ लोग चांद पर जाने की बात करते हैं, मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने करने की बात करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि प्रकृति संरक्षण यहीं पर किया जाए तो मंगल और चंद्रमा पर जो जमीन खरीदने के लिए लोग आतुर रहते हैं, वो संरक्षण के माध्यम से इसी को जन्नत बना सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि पिछले माउंट आबू में पिछले 4-5 दिनों से लगातार वर्षा का दौर जारी है और उससे जो इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही खिलकर सामने आ रहा है। और इस बार देखा जा रहा है कि जो टूरिस्ट है, बाहर से आया हुआ जो पर्यटक है, वो भी इस बार माउंट में भारी तादाद में आ रहे हैं लगातार। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले वर्षों में जब बारिश की बहुत तेज़ वर्षा होती थी तब यहाँ पर टूरिस्ट कम पड़ जाता था, लेकिन अब लोगों को मालूम चल गया है क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्य है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हरियाली अमावस्या को हरियाली अपने यौवन पर होती है। प्रकृति में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। जब आसमान से बादल जमीन पर उतरते हैं तो सैलानियों को छूकर निकलने को आतुर रहते हैं। इस खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर्यटक उमड़ आते हैं। इन वादियों को निहारने को मन तब और आतुर हो जाता है जब आसमां और जमीन का मिलन हो उठता है। यहाँ से 320 किलोमीटर दूर मरुधर